आज मैं आपको झटपट सैंडविच बनाना सिखाती हूँ। ये मेरे घर का ब्रेड है जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, और इसे सबसे पहले तावे पे सेक लेंगे। अच्छी तरीके से दोनों तरफ सेक लें, हल्के हल्के ऑयल डालते जाएं। मैंने कुछ सब्जियां कटिंग करके रख ली है, उसे ब्रेड के ऊपर अलग अलग करके सजा देनी है। शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, थोड़े से पनीर के टुकड़े हैं उसे भी अच्छी तरह से फैला देनी है। सब्जियां आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुए हैं वो आप अपने इच्छा के अनुसार डालें, आपको जितना तीखा पसंद हो। मैंने हल्के से एक खड़ी मिर्च कटिंग करके डाली है। ये कच्ची सब्जियों का सैंडविच आप जब चाहे तब सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। हल्के से नमक को छिड़क दें, थोड़े से ओरिगेनो को डालें, जितना आपकी इच्छा हो टेस्ट के अनुसार। और अगर थोड़ा और तीखा खाना चाहते हैं तो कुछ ओरिगेनो के बाद आप उसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं। चीज अगर आप चाहें तो ज़्यादा आपका वो हैवी होगा तो आप अपने इच्छा के अनुसार चीज भी डाल सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाला ऊपर से। अब इसे ऊपर से कवर कर दें। ब्रेड हमारे पहले से अच्छे से सिके हुए थे, सिर्फ 5 मिनट में ये सैंडविच तैयार हो जाता है। क्योंकि घर में आपके सारे सामान पहले से अवेलेबल होते हैं, बस हमारा सैंडविच रेडी है। आपको कोई टोस्टर की, ओवन की कोई जरूरत नहीं, सिंपल सा ये